नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ककड़ी की सब्जी, जिसके लिए हमने लिया 750 ग्राम ककड़ी। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, इस टुकड़ों में काट लिया है, लेकिन काटते समय इसको चेक कर लेना कहीं कड़वी ना हो, नहीं तो सारी सब्जी खराब हो जाएगी। 2 चम्मच लिए हमने सौंफ, इसको दरदरा पीस लिया है। 1 इंच अदरक को भी हमने बारीक काट लिया है। 3 हरी मिर्ची को भी बारीक काट लिया है। हमने लिया है स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके ठंडा कर लिया है, इसमें हम सब्जी बनाएंगे। थोड़ा सा लिया है हरा धनिया। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन कर मैं डाल रही हूँ स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल लीजिए थोड़ा सा, और उसे गर्म कर लीजिए। ये गर्म हो गया, गैस को स्लो कर पहले हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून डाल देंगे जीरा, और इसको चला देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, इसे मिक्स कर दें। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर। 2 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, इसे भी मिक्स कर दें। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची जो बारीक काटी हुई है, और जो अदरक है बारीक कटा हुआ वो भी मिक्स कर दें। अब इसमें हम डाल देंगे ककड़ी को, और तेज गैस कर इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे चलाते हुए। ये मिक्स हो गया। अब गैस को स्लो कर 1/2 कप पानी डाल रही हूं मैं, और इसको ढककर हम 10 मिनट तक पकाएंगे कम गैस पर। 10 मिनट हो गए हैं, हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। पहले तेज गैस कर इसको पहले थोड़ा सा चला देंगे। अब इसमें हम जो दरदरी करी हुई हमने सौंफ रखी हुई है वो भी मिक्स कर देंगे, और 1/4 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला, इसे भी मिक्स कर दें। फिर से हम इसको ढककर कम गैस कर ढककर 10 मिनट तक फिर पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब सब्जी को चेक कर लेते हैं हम। अब गैस को तेज कर लेंगे, 2 मिनट तक हम इसको खुले में ही ऐसे पकाएंगे तेज गैस पर ही चलाते हुए। ये हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, इसे भी मिक्स कर दें। ये मिक्स हो गया, ये हमारी सब्जी तैयार है। हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ये गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी, और ये परांठे और चपाती के साथ बहुत टेस्टी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।